दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सपोज आप आउट ऑफ स्टेशन गए हैं लाइक मनाली शिमला, वहाँ पे आपने फेवरेट प्लेसेस देखे, शॉपिंग करी, बहुत सारा एंजॉय किया, और ये सब आप बताने के लिए अपने फ्रेंडों को या फैमिली मेम्बर को कि आपने मनाली में क्या क्या किया, ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए किसी से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे यूज नंबर फर्स्ट देखिए, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब पास्ट में आपने क्या कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया है, लाइक आप मनाली गए, मनाली से आप घर वापस आए, तो आपने पास्ट में क्या किया है, आप मनाली घूमकर आ गए हैं, जो आपने कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया है और अब उसको आप बताओगे तो एक आपके लिए स्टोरी बन जाएगी। पास्ट में जो कुछ आपने किया है वो पास्ट इज स्टोरी, आपका क्या बन जाएगा, स्टोरी। तो वो स्टोरी टेलिंग करने के लिए क्या क्या यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। सेकंड क्या है, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, मतलब पास्ट में कोई आपकी हैबिचुअल आदत हो, जैसे आप ये करते रहते थे, लाइक आप जस्ट न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हो और सडनली आपका कोई फ्रेंड आता है और आप उसको अपना ओल्ड हाउस दिखाने ले जाते हो, तो आप उसे कहते हो कि आई ऑलवेज स्लेप्ट दिस रूम, मैं हमेशा इस रूम में सोया करता था, या आई व्हेन आई वाज हियर आई वेंट टू नानीज हाउस, जब मैं यहाँ रहता था तो आई ऑलवेज वेंट टू नानी हाउस, तो मैं हमेशा क्या नानी के घर पे जाया करता था। मतलब हैबिचुअल, अगर पास्ट में आपको हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट करना है तो आपको ऑलवेज, ऑफन, यूजली या व्हेन आई वाज का यूज़ करके आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हो। जैसे अक्सर लोग यूज टू का यूज करते हैं, पर आप इसको भी यूज करके आप अपना हैबिचुअल एक्शन बता सकते हो पास्ट में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दिस, मैं कल बाजार गया, तो मैं आए, आप गया, जाना की गो होती है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। आप सेकंड क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। रिमेंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें आपकी वर्ब को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस में तो क्या होगा, डिडंट, डिड नॉट का यूज करना है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल बाजार नहीं गया, तो मैं आए, अब यहाँ क्या होगा, सॉरी, डिडंट नहीं लगाया तो डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आपको डिड लगाना होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो क्या है, क्या तुम कल बाजार गए, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड, क्योंकि दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। अब क्या तुमने कल उसे देखा, तो यहाँ पे भी डिड यू सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिम यस्टरडे। आप डब्ल्यू एच फैमिली कैसे यूज करोगे, अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली यूज करनी है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस डब्ल्यू एच फैमिली राइट करनी है, आफ्टर दैट सेम आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अब जैसे तुम कल बाजार क्यों गए, तो क्योंकि क्या होता है, वाई, तो वाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, डिडंट, डिड बस कुछ नहीं है, डिड में नॉट और लगा के शॉर्ट फॉर्म डिडंट लगेगा, डिडंट आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल बाजार नहीं गए, तो डिडंट यू गो टू मार्केट यस्टरडे। अब मैंने भी अपनी कुछ स्टोरी टेलिंग करी है जो मैंने कल किया था, तो ऐसे भी आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, जैसे जो भी आप पास्ट में कुछ
तो आपने कर लिया है लाइक दिस, आपने कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले कुछ किया है, तो आप पास्ट में अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। जैसे यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गई, एंड आई मेट फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड्स से मिली। यहाँ पे क्या है, बेंट सेकंड फॉर्म लगी है, ये भी मेट क्या है, सेकंड फॉर्म लगी है। वी बोथ हैड अ कन्वर्सेशन, हम लोगों ने कन्वर्सेशन की। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, माई फ्रेंड वेंट अवे, और मेरा फ्रेंड वहाँ से चला गया। ये मेरी दो चार लाइनें आपको बताने की कोशिश की है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करके आप कैसे स्टोरी को टेलिंग कर सकते हो। थैंक यू।